हेलो एवरीवन, दिस इज सुहेल अंजुम। आप देख रहे हैं वर्चुअल साइंसेस। आज के इस वीडियो में हम एक और एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट में फिर से ये प्रूव किया जाएगा कि जो जेनेटिक या हेरिटेरी मटेरियल है दैट इज डीएनए एंड नॉट द प्रोटीन्स। इससे पहले जो दो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, उसमें जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था दैट वॉज परफॉर्म बाय ग्रिफिथ एंड द सेकेंड एक्सपेरिमेंट जिसको परफॉर्म किया था एवरी साहब ने, साथ उनके मैकलेट थे और मैकार्टी थे। उन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं और इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले जरूरी ये है कि आप उन वीडियोस को लास्ट में विजिट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है वो जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो शुरू करते हैं आज के इस एक्सपेरिमेंट को। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म बाय टू साइंटिस्ट, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं अल्फ्रेड डे हर्शी एंड द सेकेंड वन इज मार्था काउल्स चेज। जो हर्शी साहब है ये एक अमेरिकन जेनेटिसिस्ट भी हैं और साथ ही साथ बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी हैं और ये नोबेल प्राइज विनर भी है। और इसमें जो मार्था चेज साहिबा है शी इज अ फीमेल अमेरिकन जेनेटिसिस्ट। अब इन दोनों ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके लिए जो मॉडल ऑर्गेनिज्म था जिसके ऊपर तजुर्बात किए गए दैट वाज वायरस। और वायरस कौन सा है? वायरस है जनाब यानी बैक्टीरियोफेज। और उस बैक्टीरियोफेज का टाइप 2 यहाँ पे इस्तेमाल किया गया जिसको हम T2 के नाम से भी जानते हैं। सो वायरसेस इस्तेमाल किए गए यानी कि बैक्टीरियोफेजेस इस्तेमाल किए गए। कौन से बैक्टीरियोफेजेस हैं? T2 बैक्टीरियोफेजेस हैं। और इसमें जो सबसे पहला काम यहाँ पे परफॉर्म किया गया दैट वाज लेबलिंग। अब लेबलिंग का मतलब क्या है कि इन्होंने इन बैक्टीरियोफेजेस को दो मुख्तलिफ मीडियम्स के अंदर ग्रो करवाया। और वो मीडियम्स कौन कौन से हैं? उनमें से एक मीडियम ऐसा है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप मौजूद है दैट इज फॉस्फोरस 32। और एक दूसरा मीडियम वो है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप मौजूद है सल्फर का एंड दैट इज सल्फर 35। अब जब वायरसेस को इन दो मुख्तलिफ तरह के मीडियम्स के अंदर ग्रो करवाया गया तो उसका नतीजा ये निकला कि ये जो फॉस्फोरस है इट बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूक्लिक एसिड या डीएनए ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरसेस, या जो वायरस अपने नए डीएनए यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे इस मीडियम के अंदर रहते हुए ये जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है ये उनके डीएनए का हिस्सा बन जाएगा। और इसी तरह से जो सल्फर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया दैट इज अगेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ सल्फर, ये इनकॉर्पोरेट करता है किसके अंदर? अमीनो एसिड्स के अंदर। और वो अमीनो एसिड्स इवेंचुअली प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। सो इट इज जस्ट समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारे पास दो मीडियम्स आ गए जिनमें एक फॉस्फोरस 32 कंटेन कर रहा है और दूसरा जो है वो सल्फर 35 कंटेन कर रहा है। और इनके नतीजे में या इन मीडियम्स में ग्रो करने वाले जो वायरसेस हैं वो हमें किस तरह के नजर आते हैं? इट इज जस्ट समथिंग लाइक दिस। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो वायरल डीएनए है उसको हमने रेड से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब यह है कि ये रेडिएक्टिव आइसोटोप कंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वायरल कैप्सिड है, जो प्रोटीन का कोट है, उसको हमने रेड से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये है कि उस प्रोटीन कोट के अंदर रेडिएक्टिव सल्फर मौजूद है यानी कि वो रेडिएक्टिविटी शो करेगा। अब पहला स्टेप हो गया लेबलिंग का। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या किया गया कि ये जो दोनों मीडियम्स के बैक्टीरियोफेजेस हैं इनको अलाउ किया गया कि भाई तुम अब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करो। और वो किस तरह से है हम इनको यहाँ पे पहले कॉपी कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी कि हमने यहाँ पे हम दोनों वायरसेस को शो किया, एक वो वायरस है एक वो बैक्टीरियोफेजेस है जिनके पास डीएनए जो है वो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन कर रहा है, और एक वो बैक्टीरियोफेजेस है जिनके पास जो कैप्सिड है वो रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन कर रहा है। अब हमने क्या किया कि इन वायरसेस की मदद से इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को। तो ये हमने दो बैक्टीरिया सेल यहाँ पे रिप्रेजेंट किए और ये कुछ वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरियोफेजेस हैं जो इनको इन्फेक्ट करने जा रहे हैं। और हमें मालूम है कि जब वायरसेस जो हैं, जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए जो है वो इंजेक्ट करते हैं होस्ट सेल के अंदर यानी कि बैक्टीरिया के अंदर, जबकि उनका जो कैप्सिड है, जो कोट है, जो प्रोटीनेशियस बॉडी है उनका, दैट रिमेन्स आउटसाइड द सेल ऑफ दैट होस्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या नजर आएगा कि ये जो डीएनए, जो रेडिएक्टिव डीएनए इस ग्रुप के पास मौजूद है दैट गेट्स इंजेक्टेड, दैट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू
होस्ट सेल, तो इट इज जस्ट लाइक दिस। और इसी तरह से जो दूसरा ग्रुप है उसका जो डीएनए है जो कि ऑब्वियसली रेडियोएक्टिव नहीं है, इधर ये इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू द सेल ऑफ दिस होस्ट बैक्टीरियम। ओके, सो इंफेक्शन का काम भी हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप यहां पे परफॉर्म किया गया कि उन्होंने इस पूरे कल्चर मीडियम को या इस पूरे मीडियम को बहुत अच्छी तरह से एजिटेट किया, इसको बहुत अच्छी तरह से हिलाया, और उसका मकसद ये था कि जो कैप्सिड यहां पे मौजूद है, कोई भी मटेरियल जो बैक्टीरिया के बॉडी के बाहर मौजूद है उसको यहां से रिमूव किया जा सके। सो आफ्टर एजिटेशन जो प्रोटीन कोट्स हैं उनको हमने यहां से रिमूव कर दिया, जबकि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए दैट इज स्टिल इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट होस्ट, यानी कि वो अभी भी बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर मौजूद है। अब हुजूर क्या होगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करते हुए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपने लिए जो जरूरी कंपोनेंट्स हैं, वायल कंपोनेंट्स हैं, उनको यहाँ पे तैयार करवाता है, और इवेंचुअली हमें ये नजर आता है कि इन बैक्टीरिया के अंदर नए वायरसेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, एंड इट इज जस्ट समथिंग लाइक दिस। सो यू कैन सी दैट कि जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उन्होंने अपने आप को रेप्लिकेट किया, अपने नंबर्स को इंक्रीज किया विद इन दैट बैक्टीरियल सेल अपने होस्ट के अंदर, और उसके बाद जो उसकी नए बनने वाली कॉपीज हैं, जो नए बैक्टीरियोफेजेस यहां पे पैदा हुए हैं वो बैक्टीरिया सेल वॉल को रप्चर करते हैं और वहां से जनाब अली ये बाहर आ रहे हैं। लेकिन हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पहला ग्रुप है जिसके पास फॉस्फोरस 32 था जो कि इनकॉर्पोरेटेड था उसके डीएनए के अंदर, वहां पे जो हमें नेक्स्ट प्रोजनी या नेक्स्ट जनरेशन मिलता है बैक्टीरियोफेजेस का, वहां पे रेडियो एक्टिविटी अभी भी मौजूद है, यानी कि उन नए वायरसेस के पास अभी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस अभी भी मौजूद है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जिसमें हमने सल्फर 35 इस्तेमाल किया था जो कि इनकॉर्पोरेट किया था उनके प्रोटीन कोड्स के अंदर, उनका जो जनरेशन हमें मिलता है, नेक्स्ट जनरेशन जो हमें उसका मिलता है, उसमें किसी किस्म का रेडियो एक्टिविटी हमें नजर नहीं आता है। सो कंक्लूड इस तरह से करते हैं कि भाई जो पहला ग्रुप है जो कंटेन कर रहा था फॉस्फोरस 32 को, यानी कि जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव था, उसमें नेक्स्ट जनरेशन में रेडियो एक्टिविटी नजर आने का मतलब ये है कि भाई डीएनए ही वो मटेरियल है जो कि अगली नस्लों में मुंतकिल किया जाता है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जिसमें हमने प्रोटीन्स को रेडियो एक्टिव बनाया था, उनके प्रोजनी में या उनके नेक्स्ट जनरेशन में रेडियो एक्टिविटी नजर आने का मतलब ये है, रेडियो एक्टिविटी सॉरी नजर ना आने का मतलब ये है कि ये प्रोटीन किसी भी तरह से नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं किया जाता है, दैट रिमेन्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ दैट होस्ट। तो कंक्लूड ये किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहा है, डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पे काम कर रहा है, डीएनए ही वो चीज है जो होस्ट सेल में जाके तमाम मामलात को कंट्रोल करता है, और डीएनए ही वो मटेरियल है जो आगे इसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट किया जाता है, जबकि प्रोटीन के केस में हमें इस किस्म का कोई भी एविडेंस या क्लू यहां पे नजर नहीं आ रहा। सो हेंस इट इज प्रूव दैट डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल एंड नॉट इट इज द प्रोटीन। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक